अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूं कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। सो खाने वाल से हमारा पहला दिन हो चुका है जी स्टार्ट, यानी कि कुछ कुछ झलकियां तो आपको मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाई हैं, लेकिन प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सो अभी हम लोग उठ चुके हैं, काफ़ी देर से उठे हैं, 11:30 बज गए हैं। तो उठे हुए वैसे काफ़ी टाइम हो गया है अब, मतलब मैं बाहर आ रही हूँ। सो अभी उठ चुके हैं, भाभी गई हुई है ज़रा डॉक्टर के पास, तो उन्होंने हर चीज़ जो है ना प्रॉपर अरेंज की हुई है नाश्ते के लिए, सिर्फ रोटियाँ बनानी है यानी पराठे बनाने हैं। तो अभी मैं चलती हूँ और पराठे बनाती हूँ। चल जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड बड़ी देर से वेट कर रहे हैं और अब अगर देर की तो भी डांट पड़ जाएगी। सबसे पहले तो जी इस वाले कमरे को लॉक कर देते हैं जहाँ पे हम वीडियो बना रहे थे। अब हम चलते हैं जी अंदर। यहाँ पे इब्राहिम साहब अभी तक लेटे हुए हैं और बस अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ। ये सबसे पहले जी आटा मैंने निकाल लिया है और यहाँ रख देते हैं और किचन की लाइट ऑन कर लेते हैं। ओके, हाँ जी हाँ जी, मुझे पता। ये देखें जी, ये चने आ गए हैं यहाँ पे और दही भी रखा हुआ है मम्मा ने आपकी। सो बस हम आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं जी ये, साथ में ये, और बस चीज़ें सेट वेट। और ये आ गया जी हमारे पास ऑयल, और ये घी भी है, जो लेना होगा वो ले लूँगी। जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाते हैं फटाफट से। क्या कह रही है ये? एसी की वजह से इसका ना वो ड्रॉप्स डाल के ना तो साफ कर देते हैं। अच्छा मुझे वो बता रहा है, सिलेंडर ऑन करते हुए मुझे बहुत डर लगता है इतनी जोर से। आपकी मम्मा अब एक्सपीरियंस्ड बनी है भाई, हम क्या करें, हमें तो बहुत डर लगता है, हमें तो बहुत डर लगता है। दही किधर है फातिमा? दही किधर है? खा गई हो सारा का सारा? कहाँ है फिर? फ्रिज में है। तो जनाब जी यहाँ पे गैस का बड़ा मसला है, यहाँ पे गैस आती ही नहीं है। इन लोगों ने भी ना घर चेंज किया है, तो इस वाले घर में गैस नहीं है। तो ये देखें सिलेंडर के ऊपर जो है ना वो सारा काम ही करती हैं बेचारी। चलिए जी अब रोटी को लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो सिलेंडर पे काम करते हुए बहुत डर लगता है भाई। प्लेट्स किधर हैं? प्लेट्स ये रही प्लेट्स। अच्छा इसमें जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है ना, वो ये कि देखें ज़रा दरमियान से रोटी पक जाती है और साइडों से सारी कच्ची रह जाती है, फिर ऐसे कर करके पकानी पड़ती है दरमियान से, क्योंकि सारी बस बीच बीच में ही होती है, साइडों पे वो हीट होती ही नहीं है। इतना वो गुस्सा आता है ना मुझे, उतनी देर में दरमियान से जल जाए चाहे। ये देखें जी चीज़ें जो है ना अब हम वो वापस रख देते हैं, बिकॉज भाभी आ चुकी हैं, नहीं छिड़के ही ना पड़ जाए। और ये कहाँ रखना है? ये कहाँ से निकाला था? ये मैंने तो नहीं निकाला, ये तो पड़ा ही हुआ था बाहर, यहीं एडजस्ट कर देती हूँ। मैं वीडियो भी बना रही हूँ, देख लो मेरी भाभी मुझे डांट ही ना दे, मैं साफ कर देती हूँ ये भी अच्छी तरह से। भाभी मेरी आ चुकी हैं और वो सुन रही हैं सारी बातें। ये देखें मैंने आपके शेल्फ भी साफ कर दिया, कहीं आप मुझे डांटे ना। दही है तो ये लस्सी है, मीठी का नमकीन है। अच्छा चलो जी शीट बिछा लेते हैं, शीट बिछा लो। अब्दुल हाद भी उठ चुका है, जाओ 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 जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ, मैंने नाश्ता बना लिया। इतनी बड़ी शीट क्या करनी है, ठहरो मैं इसको छोटा करती हूँ। मैंने तो इसीलिए नहीं ज़्यादा बनाया, फिर बच जाता है। अच्छा सही है सही है। चलो इब्राहिम आ जाओ, आप भी नाश्ता कर लो। फातिमा ने कर लिया, बर्तन भी आ गए और ज़हरा रोने लग गई। आ गई आ गई आ गई। फातिमा मोबाइल दे दो भैया को, थोड़ी देर बेबी को। अच्छा जी जनाब नाश्ता नुश्ता हो चुका हमारा डन, मैं अभी करने लगी हूँ ज़रा अपना अबाया प्रेस। ये वाला अबाया मैंने कहा चलो पहन लेती हूँ आज, सेम कलर है लेकिन ना ये फ्रॉक टाइप अबाया है, और ये इसका जो कपड़ा है ना वो बहुत मज़े का है।
गर्मियों वाला स्टफ़ है, सो मैंने कहा चलो इसको प्रेस करती हूँ और ये पहनती हूँ आज। मदीने चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला ले जी। जनाब वी आर रेडी टू गो। हम लोग जा रहे हैं जी अपने अबू जान के पास। ये देखें जी बाया मेरा सेम ही है, बिल्कुल सेम कलर है, सिर्फ वो बटन्स वाला है और ये फ्रॉक स्टाइल है। सो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और ये बेल जो है ना मेरा एक ही नहीं रहा है। बस चलते हैं अब। चलो चले 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 हैं चले, उठ जाए, उठ जाओ उठ जाओ। ज़हरा बतूल इज स्लीपिंग। चलो फिर, अच्छा चलो चलो, लेट्स मूव 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 मूव। कह रही हो क्या, कह रही हो इसके साथ खेलो, इतना प्यारा बोली थी, जल्दी बोल के दिखा दो। फातिमा कहती मम्मा भाई चलो मैं किच के साथ खेलूंगी। चला, बड़ा बेबी चला। बेबी भी जा रहा है, फातिमा इधर ही है। बाय बाय चाचू, गालियां देंगे मुझे। चलो शोर मचाया हुआ है, बाबा के पास जाना है, बाबा की गोदी में जाना है। नीचे बकरे आए हुए हैं, चलो बकरे देखें चल के, चलो 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 चलो। वो देखो हुज़ैफ़ा बकरों को खाना खिला रहा है। ले पा खुश हो, अब खड़े हो जाओ बकरों के पास। बाकी बकरे किधर हैं? ये रहे हमारे बकरे, ये हमारे गाइस हैं। हमारे गाइस हैं, व्यूअर्स हैं हमारे। हट्टे नहीं लेके आए वो, आके कहते हैं हसन, गोशी मामू कह रहे हैं, गोशी मामू कह रहे हैं फट्टे ले आए जाके। हाँ फिर अब दोबारा गए हैं। उन्होंने कभी लिए नहीं लेकिन हाँ नहीं, हाँ सारा बाकियात दे दिया उठा के। देखें जी गाइस हमारी भाभी जान की फुर्तियाँ माशाल्लाह से, सेवियाँ उन्होंने बना भी छोड़ी हैं, बादाम डाले मैं बीच में, खोया डाला है, खोया है ये, वाओ। अब इसको छुपा लेना वरना ये अभी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा देखती हूँ, अच्छा 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 मीठा मेरे लिहाज से ठीक है लेकिन हमारे खानदान के लिहाज से थोड़ा है। हाँ एक ढक्कन डाल दो, थोड़ी सी और डालना, चले बस ओके हो गया। क्या पक रहा है इधर, ओ मेरा ये तो चलो। अच्छा खुशबू लाफिस लाफिस, चार बजे आ जाएंगे हम लोग, चार बजे आ जाए। मैं तो कहती हूँ जाके बस हम कपड़े लेके आ जाते हैं। अच्छा लाफिस लाफिस लाफिस, कोई चीज नहीं रह गई। मैं सोची थी कि चांद रात है और बहंदी नहीं लगी, अधूरा अधूरा लग रहा है मुझे।
अल्लाह हाफिज़ बच्चों। ब्लॉगिंग तो साथ से चलती है ना, फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ अब्दुल हाफिज़, सुबह मिलेंगे। हम जा रहे हैं, इब्राहिम आ जाओ आप। फातिमा अल्लाह हाफिज़। सो जी जनाब, अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। सो दोबारा मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। ईद व्लॉग होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।